पाकिस्तानी का वो भी मसला ख़त्म कर दिया है। उसके बाद उसके अलावा उन्होंने अपने सारे एसेट्स जो हैं अनफ्रीज कर दिए, जो सारे बाहर मफरूर बैठे हुए थे सारे वापस आ गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मफरूर है, जो गलत बयानी पिछले कई अरसे से करे चले जा रहे हैं कि ये बहुत बीमार हैं, वो इस वक्त सैर कर रहे हैं यूरोप की और वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनके ख्याल में ये सारी कौम जो है ना, ये बेवकूफ़ लोगों की है और लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। शोर तो ये मचाते थे कि महंगाई महंगाई के जी, तहरीक इंसाफ की वजह से बहुत महंगाई हो गई। आज आप बताइए, अगर हम आज का मुकाबला जो है आज से 7 महीने पहले करें तो आप ख़ुद ब खुद देख लीजिए क्या फ़र्क आया है। डॉलर की कीमत, जिसके बारे में इसहाक डार साहब का ख्याल था कि जी मैं तो उसको 150 पे लेके आऊँगा, आज डॉलर पाकिस्तान में मिल नहीं रहा 250 पे भी, और वैसे ऑफिशियल कीमत 226 है, लेकिन अगर आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए ना, एलसीयां खुल रही हैं। अगर हम कहें कि ये कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गए, तो इससे बड़ा डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है। मेरे पास महकमा सेहत है, हमारे पास, हम एलसी नहीं खोल पा रहे क्योंकि डॉलर नहीं हमारे पास, और हम एलसीयों की हमारी मुसीबत बनी हुई है। नंबर टू, आप महंगाई के हाल देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त आपका ऑयल बैरल जो है उसकी कीमत जो है वो कम होकर $75 पे आ गया है। आपने कीमत कितनी कम की इस आवाम के लिए, 10 रुपये। वो शर्म बंदा करता है, वो हया करता है, जो बातें आप हमें सुनाया करते थे और जिनके लिए आप जलसा जुलूस किया करते थे, जो वो बेचारे जलसियाँ होती थी जिसमें लॉन्ग मार्च भी करते थे और सब कुछ, उसका ये नतीजा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर हम बात करें कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप देखिए कितना बड़ा जुल्म हुआ। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त हमारे वक्त के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, और आपको पता है वो जो मज़दूर 2 लाख से ज़्यादा मज़दूर जो बेरोज़गार हुए थे, सब रोज़गार हो गए, आज फिर बेरोज़गार हो गए हैं। लूम्स बंद हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे चली गई है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कोई नहीं रहा, आपका फॉरेक्स रिज़र्व जो है 6.7 बिलियन पे आ गया है, मज़ीद नीचे जा रहा है, और फिर रोज़ाना लॉलीपॉप देते हैं, आते हैं और रोज़ाना लॉलीपॉप देते हैं जी हमें, तो कोई आपको गलत, ये इमरान खान गलत इंफॉर्मेशन देता है। इमरान खान अपनी कौम को सही इंफॉर्मेशन देता है कि ये चोर हैं, इन चोरों ने इकट्ठा हो के पाकिस्तान को लूटा, लूटने के बाद पाकिस्तान को उन्होंने खा पी लिया, और जब इनके केसेस जो हैं वो मच्योर होने लगे तो तब ये सारे वापस, और हमें भी पता है कि किसकी मर्जी से ये वापस आए हैं। ये बाजवा साहब ने ये पूरा जो ढोंग रचाया, तो मैं आपको बताती चली, जो अफसोस से कहना पड़ता है, क्या हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है? मेरे लिए, मैं अपनी फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और हमेशा इज्जत करती रहूँगी, लेकिन ये मैं बताती चली जाऊँ कि इस तरह की बात जो है वो हरगिज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो जो 2-3 ऊपर बैठ के जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, उनका नाम भी ना लिया जाए। क्या जुल्म कर रहे हैं इस वक्त, नाम लेने की वजह से स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। अरशद शरीफ तो आप में से था, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया सिर्फ उसने क्योंकि आवाज़ उठाई, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया। तो ये मैं बताती चली जाऊँ, ये जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं और ये जो जाली हुकूमत है, कि अगर आपका ख्याल है कि आवाम आपके साथ है तो करना था ना, बुला लें उनको आवाम को बाहर, किसने मना किया? हमने तो कहा इलेक्शन करवाओ, खुद ब खुद पता चले जाएगा कि आवाम किधर, आपकी तरफ है या हमारी तरफ है। तो मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है, आज इंशाल्लाह खान साहब जो ऐलान करेंगे, पाकिस्तान तहरीके साफ और हमारे इत्तेहादी सब साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई बंदा जो है वो हर बंदे घर घर तक पहुंचाएंगे। अब तो वैसे मैं ये बात बताऊं कि बच्चा बच्चा जो है खान साहब का मौक़िफ़ को समझ गया है, और बच्चे बच्चे को पता है कि किस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन सारे जी। एक मिनट, बात को मुकम्मल करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न में, ये लाहौर डिवीज़न में हो रहा है, इसी तरीके से हमारी जितनी डिवीज़न्स हैं सबके ऊपर एहतजाज होगा। खान साहब जब तकरीर करेंगे तो लोग बाकायदा खड़े होकर सुनेंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि
ये डर रहे हैं इलेक्शन से, इनको पता है कि इनके साथ इलेक्शन में होना क्या है। आपको पता है जुलाई में जब इनकी हुकूमत थी तो 20 सीटों में से 15 हमने जीत ली। खान साहब 8 सीटों पे खड़े हुए, 7 सीटें उन्होंने जीती। हालांकि लोगों को पता था इमरान खान जो हैं उन्होंने असेंबली में नहीं जाना, पर लोगों ने वोट इसलिए दिया कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत घुसपैठियों को बताना चाहते थे कि हम इमरान खान के साथ हैं, तुम यहाँ से निकलो। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज शाम को एक कामयाब जलसे के बाद खान साहब जो अनाउंस करेंगे उसके साथ हमारी सबकी सपोर्ट है, हम सब तायद करेंगे और इंशाल्लाह इस अपने मौक़ पे हम कायम शायम रहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कराए ताकि ये मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है और जो ये इस वक्त बुरहान आया हुआ है आपका इकनॉमिक जो इस वक्त मेल्टाउन हो रहा है वो ख़त्म। जी बताइए मेरा ख्याल है जी, बार बार एक ही सवाल हमसे पूछा जाता है। कल रात भी मेरा उन्होंने चौधरी परवेज लाई ने ट्वीट की है, कल रात भी ये सारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान जिस वक्त हुक्म करेंगे असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। मेरा ख्याल है देखिए जो आपके कैबिनेट की मीटिंग के अंदर डिस्कशंस होती हैं बहस मुबैसे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कल वहाँ मौजूद थे, ठीक है, एक उनके साथ उनका अपना मौक़ था, चीफ मिनिस्टर ने अपना मौक़ दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई इतिहादियों में लड़ाई हो गई है। कैबिनेट्स के अंदर असम्बली के अंदर बहस मुबैसे होते हैं, उस चीज़ को तूल चढ़ाना जो है वो मेरा ख्याल है जाती है। जी बताइएगा कि ये हवाएं गर्दिश कर रही हैं, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोनस लाई साहब ने कुछ लोगों को पीटीआई के इस बात पे आमादा कर लिया है कि पंजाब से नई तहलील की जाएगी या ताखीर से तहलील की जाएगी, तो इस बात में कितनी हकीकत है? क्या मैं समझी, मोनस लाई साहब ने पीटीआई के कुछ लोगों को इस बात पे आमादा किया है कि असेंबली ताखीर से तहलील की जाए, क्या इस बात में हकीकत? मेरा ख्याल है, देखिए बात सुनिए, ना मेरे सामने इस तरह की कोई बात हुई है, ना इसका कोई जिक्र हुआ है, और हर मरतबा इतिहादी मिल के ख़ास तौर पर मुनस सिलाई मिल के उन्होंने एक ही बात की तसल्ली दी है कि हम इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान जिस तारीख को कहेंगे उस दिन असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। जी थैंक यू वेरी मच।